नमस्कार साथियों, मैं रितिका आरोही मॉडल स्कूल ग्योंग जिला कैथल सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने अपने कहानी के पिटारे में से एक कहानी लेकर आई हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उसमें चारों ओर बड़े बड़े और घने पेड़ लगे हुए थे। उसमें बहुत से जानवर भी थे, जैसे कि बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, चिड़िया, हाथी, शेर और भालू। उसमें चारों ओर से जानवरों तथा पक्षियों की आवाज़ें भी आ रही थी। कहीं से शेर के दहाड़ने की आवाज़, कहीं से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, कहीं से घोड़ों के हिनाने की आवाज़, कहीं से मक्खियों के भिनाने की आवाज़, कहीं से हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़, तो पानी में बैठे मेंढक के टटराने की आवाज़ें आ रही थी। वहीं जंगल में तालाब था। तालाब के पास एक चिड़िया उड़कर आती है। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंच जाती है। वह जैसे ही पानी पीने लगती है, वह अचानक से तालाब में गिर जाती है। वह अपने आप को गिरा हुआ पाकर बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। वह अपने बचाव के लिए मदद मांगने लगती है। वह कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह अपने बचाव के लिए मदद मांगती रहती है। उसे दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। वह फिर भी अपना धैर्य नहीं खोती और अपने बचाव के लिए मदद मांगती रहती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई आती है। बिल्ली को देखते ही चिड़िया की जान में जान आ जाती है। वह बिल्ली से बोलती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं इस पानी में डूबकर मर जाऊंगी। बिल्ली उसकी बातें सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा तो लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या आपको उसकी शर्त सुननी है? ठीक है, चलो सुनाती हूँ। बिल्ली बोलती है कि मैं तुम्हें पानी से बाहर निकाल तो लूँगी, पर तुम्हें निकालने के बाद तुम्हें खा जाऊँगी। चिड़िया यह सुनकर घबरा जाती है, पर वह समझ बूझ से काम लेती है। वह कहती है, ठीक है, तुम मुझे खा लेना। वह सोचती है कि एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर कुछ तरकीब निकाल लूँगी। बिल्ली चिड़िया को तालाब से बाहर निकाल देती है। बिल्ली कहती है, चलो अब मैं तुम्हें खा लेती हूँ। चिड़िया यह सुनकर घबरा जाती है, पर वह कहती है, ठहरो ठहरो, अभी मैं गीली हूँ, मुझे पूरी तरह से सूख जाने दो, नहीं तो मेरे पंख तुम्हारे मुंह में चिपक जाएंगे। बिल्ली उसकी बातें सुनती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहती है कि ठीक है, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। बिल्ली इंतज़ार करते करते सो जाती है। उसे गहरी नींद आ जाती है। चिड़िया यह देख प्रसन्न हो जाती है। वह इसी मौके का इंतजार कर रही होती है। चिड़िया इस मौके का फायदा उठाते हुए फुर से आकाश में उड़ जाती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चिड़िया और बिल्ली की कहानी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, हमें चिड़िया की तरह समझदार बनना होगा और मुसीबत के वक्त घबराना नहीं बल्कि हिम्मत व धैर्य से काम लेना होगा और उन पर विजय भी हासिल करनी होगी। तो दोस्तों, आज से हम यह प्रण लेते हैं कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हम उनका डट कर सामना करेंगे और उन पर विजय भी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।